दिवाली आते ही हम दिए लगाते हैं और जब हम दिए लगाते हैं तो हमें चाहिए पड़ती है बाती और हम अक्सर अपनी नानी दादी मम्मियों को परेशान करते हैं कि हमारे लिए बाती बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से दो तरह की बाती बनाना। तो इस दिवाली पर आप मोमबत्तियाँ ना जलाएं, आप दिए लगाएं अपने हाथों से बाती बनाकर, एंड आई होप आपकी दिवाली बहुत ही शुभ रहे। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको दो तरह की बातियाँ बनाना सिखाऊंगी। एक तो है ये वाली जिसे कहा जाता है फूल बाती, जो घी के साथ दीपक में लगाई जाती है, और एक ये है लंबी वाली बाती जो कि हम दिवाली पे आमतौर पे तेल का जब दिया लगाते हैं तो लगाई जाती है। सबसे पहले हम ये लंबी वाली बाती बनाएंगे। इसके लिए मैं ये कॉटन लूँगी, तो ये फार्मेसी में जो मिलती है वो वाली कॉटन है। अगर आपको देसी कॉटन मिले जो कि पूजा की दुकान पे मिलती है तो आप वो ले लें। जितनी बड़ी आपको बाती बनानी है उतना कॉटन आप इस तरह से सीधा और इक्वल लेंथ का निकालें, जिससे हमारी जो बाती है वो इक्वल लेंथ की बनेगी, मोटी पतली नहीं बनेगी। और अब हम इसको अपने हथेली के बीच में रखें, इस तरह से बस ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होता है, ये एक सार बिल्कुल ट्विस्ट हो जाती है और अच्छे से जलती है। लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस एक बूंद दूध लेंगे और इसको इस तरह से दूध के ऊपर अच्छे से रगड़ देंगे। इससे क्या होगा, ये अपना शेप जो है वो रिटेन करेगी और जब दूध ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। देखिए कितना आसान है इसको बनाना। आइए मैं आपको दूसरी तरह की बाती बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हम ये फिर से कॉटन लेंगे और क्या करेंगे, इसका एक साइड जो है हम इस तरह से लंबा कर देंगे और इसको ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से एक डायरेक्शन में, और दूसरा साइड लेंगे, इसको भी सेम डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है हमें। ये देखिए, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को अपने हाथों में पकड़ लेंगे कुछ इस तरह से, इसको अपनी हथेली पे रखेंगे और इस तरह से एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, और हम एक बूंद जो है वो दूध लेंगे और इसको इस तरह से बाती पे लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब दूध सूख जाएगा तो बाती का ट्विस्ट जो है वो बना रहेगा और ये बहुत अच्छे से जलेगी। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे नीचे से, जिससे खड़ी हो जाए आराम से हमारे दिए में और बार बार जो है वो गिरे नहीं। तो ये जो बातियाँ हैं बनकर तैयार हैं, और आइए अब मैं आपको दिखाऊंगी इनको दिए में कैसे लगाना है। दिए में बाती लगाने के लिए हम एक बाती लेंगे और इस तरह से दिए में रखेंगे। इसके ऊपर डाल देंगे हम सरसों का तेल, ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इस बाती को पलट देंगे जिससे कि जो तेल वाला हिस्सा है वो आगे आ जाए, और जब ये जलेगा तो ये तेल से जलेगा। और इसी तरह से ये देखिए मेरे पास एक और दिया है जिसमें कि इस तरह से नॉब लगा रहता है, तो आप इस नॉब को निकाल दें। ये देखिए, इस बाती को हम क्या करेंगे, इस नॉब के अंदर डालेंगे और इसका दूसरा सिरा जो है वो इस तरह से खींच के आगे निकाल देंगे और इसको फिट कर देंगे। तो ये जो है अखंड ज्योत कहलाती है ये, और ये मोस्टली हम लगाते हैं रात भर चलाने के लिए। आप इसमें घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं इसको तेल से ही चला रही हूँ, तो मेक श्योर करें जो बाती है वो तेल से पूरी तरह भीग जाए अच्छे से, नहीं तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि ड्राई कॉटन को आप जब जलाएंगे तो उसमें आग लग जाएगी और वो जलेगी नहीं। और तीसरा दीपक हम जलाएंगे घी का अपनी फूल बाती के साथ, तो हम फूल बाती इसमें रखेंगे, इसमें डाल देंगे हम घी। इसमें भी ध्यान रखिए कि बाती जो है वो घी से गीली हो अच्छे से, नहीं तो वो जलेगी नहीं। हम इनको जला लेंगे, ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से ये जल रहे हैं। तो इस दिवाली पर आप अपने हाथों से बातियाँ बनाएं, और कैंडल्स की जगह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मिट्टी के दिए जलाएं। तो ज़रूर ट्राई करें अपने हाथों से बाती बनाना। आई होप आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी और शुभ हो। अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।